आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया। आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का करप्शन चार्जेस में अरेस्ट हो जाना एक बहुत ही शर्मनाक बात और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होता है उस मिनिस्टर के लिए और उसकी सरकार के लिए। लेकिन इस हार्डकोर सो कॉल्ड ईमानदार आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन ये लोग तो बेशर्मी के साथ ना केवल इन करप्ट नेताओं के साथ खड़े रहते हैं, बल्कि इस बार तो अपने नेता के लिए पद्म भूषण डिमांड कर रहे हैं। वेल, अगर आप इस आम आदमी पार्टी के आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप ढंग से समझ पाएंगे इस पार्टी के सही कैरेक्टर को। चाहे इनका झूठी लॉ डिग्री रखने वाला कानून मंत्री जितेंद्र तोमर हो, या सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया संदीप कुमार हो, वाइफ बीटर सोमनाथ भारती, या फिर रिसेंटली दिल्ली पुलिस द्वारा बैड कैरेक्टर घोषित इनका MLA अमानतुल्ला खान हो, जिसने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पूरी बस्तियां बसा दी हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इवन MLA ही क्यों, इनके तो काउंसलर तक ताहिर हुसैन जैसे लोग, जो ना केवल ऑर्गेनाइज तरीके से दंगे भड़काता है बल्कि IB ऑफिसर की निर्मम हत्या का भी जिम्मेदार पाया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश मावी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रीट स्मार्ट में, जहां मैं और मेरी टीम लाते हैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जिससे सीखते हैं आप कुछ नया, होते हैं पहले से ज्यादा अवेयर और बनते हैं एक स्ट्रीट स्मार्ट। आइए फिर से सत्येंद्र जैन के केस पर वापस आते हैं। इसी साल 5 अप्रैल को ED ने सत्येंद्र जैन की करीब 5 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया था। अभी कुछ ही दिन पहले सत्येंद्र जैन और उनके करीबी एसोसिएट्स के घर पर हुई रेड में ED को करीब 2,80,00,000 कैश और 1.8 किलोग्राम गोल्ड मिलता है। दोस्तों, सत्येंद्र जैन के केस में ये जो कुछ खुलासे हो रहे हैं, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत होती है साल 2017 में, जब दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार ऋषि राज को CBI अरेस्ट करती है रिश्वत लेने के चार्जेस पर। जब इस रजिस्ट्रार के लॉकर और घर पर छापा मारा जाता है तो CBI को कई बेनामी प्रॉपर्टी डीड्स मिलती है, पावर ऑफ अटॉर्नीज का पता लगता है, लेकिन इसी के साथ CBI को एक ऐसी चीज मिलती है जिसके बाद सब चौंक जाते हैं, और वो थी 2 करोड़ रुपए की डिपॉजिट स्लिप जो सत्येंद्र जैन की शेल कंपनीज के नाम पर थी। CBI की टीम ने जब ऋषिराज के लॉकर की तलाशी ली तो उसमें से 3 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से संबंधित बताए गए हैं। इसके अलावा IDBI की कई डिपॉजिट स्लिप मिली है उस लॉकर से, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े खातों में ट्रांसफर होना बताया गया है। इसके बाद CBI सत्येंद्र जैन के ऊपर जांच शुरू करती है और एक के बाद एक खुलासे होते चले जाते हैं। इस ईमानदार नेता के पास आय से अधिक करीब 3 गुना ज्यादा 217% एक्स्ट्रा संपत्ति मिलती है। जब इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जाता है तो पता चलता है इस ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता ने तो जोरों शोरों से हवाला स्कैम चला रखा है। आइए जानते हैं कैसे। तो सत्येंद्र जैन पास्ट में सरकारी नौकर थे CPWD डिपार्टमेंट में, और उसके बाद एक खुद की आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी भी शुरू करते हैं। यहाँ से रिश्वतखोरी और गलत तरीकों से कमाए पैसों को वाइट करने के लिए ये हवाला ऑपरेटर्स और पेपर कंपनीज यानी नकली कंपनीज का एक जाल बुनते हैं। बेसिकली 2008 में सत्येंद्र जैन 4 शेल कंपनीज की शुरुआत करते हैं, इंडो मेटालिक इम्पैक्ट्स, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स और अकिंचन डेवलपर्स। सत्येंद्र जैन अपने ब्लैक मनी को कैश की फॉर्म में कोलकाता बेस्ड 3 हवाला ऑपरेटर्स को भेजा करते थे, जिनका नाम था जितेंद्र मिश्रा, अभिषेक चौकानी और राजेश बंसल। और ये हवाला ऑपरेटर्स इसी पैसे को अपना कट लेने के बाद 56 अलग अलग छोटी बड़ी नकली पेपर कंपनीज के जरिए सत्येंद्र जैन की शेल कंपनीज के अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर देते थे। इस तरह गैर कानूनी तरीके से सत्येंद्र जैन अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते जा रहे थे। 2011 से 12 के बीच में करीब 11 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शंस का पता लगता है। 2013 में अपने इथॉस को तोड़ते हुए जिस कांग्रेस के अगेंस्ट इस आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, इन्हीं के साथ मिलकर ये दिल्ली में अपनी सरकार बना लेते हैं। सत्ता की भूख इतनी जबरदस्त इनके सामने है कि अपने सारे सिद्धांतों को ताक में रखकर आज कांग्रेस को गालियां भी देते हैं, ये भी कहते हैं उनको लीडरों को बंद करेंगे और उनकी सहायता से सरकार भी बनाते हैं। जिसके बाद सत्येंद्र जैन को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है और उनके पास कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, जैसे हेल्थ, होम, पावर और अर्बन डेवलपमेंट। तो सत्येंद्र जैन बहुत ही चालाकी के साथ इन कंपनीज के डायरेक्टर के पद से रिजाइन करते हैं, लेकिन तब भी करीब 2.5 लाख शेयर्स खुद के नाम पर ही रखते हैं और 2015 आते आते इन शेयर्स को अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब आते हैं साल 2015-16 में, जब सत्येंद्र जैन एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन इस समय के दौरान भी सत्येंद्र जैन अपना हवाला स्कैम जारी रखते हैं और करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा की लेन देन करते हैं अपनी शेल कंपनीज और हवाला ऑपरेटर्स के बीच में। दोस्तों, इसके बाद सत्येंद्र जैन बहुत ही चालाकी के साथ इन सारी चीजों को दबाने की
कोशिश करते हैं। साल 2016 में मोदी सरकार एक स्कीम लॉन्च करती है जिसका नाम होता है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, जिसके अंडर आप खुद से अगर अपने अनडिक्लेयर्ड एसेट को डिक्लेयर करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने तो 45% डिडक्शन के बाद गवर्नमेंट उस पैसे को रेगुलराइज कर देगी। इसी चीज का फायदा लेने के लिए जनवरी 2016 में इन सेल कंपनीज के दो नए डायरेक्टर बनाए जाते हैं, वैभव जैन और अंकुश जैन। लेकिन तब तक सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके इस खेल के बारे में सब कुछ पता लग चुका था। इसके बाद 7 सितंबर को सीबीआई इनकम टैक्स एक्ट 140 के अंडर अकिंचन डेवलपर्स को एक नोटिस भेजती है। इस नोटिस से खुद को बचाने के लिए 22 सितंबर को ये लोग खुद से आगे आते हैं और इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के अंडर अपने 16.5 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स को डिस्क्लोज कर देते हैं। और इसी के दौरान खुद सत्येंद्र जैन राइटिंग में मानते हैं कि उन्हें ये पैसा हवाला के जरिए रिसीव हुआ है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और सीबीआई इन तीन हवाला ऑपरेटर्स में से जीवेंद्र मिश्रा को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जीवेंद्र मिश्रा के पास जो डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं और जो वो खुलासे करता है, उसके बाद सीबीआई को सत्येंद्र जैन की एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पता लगता है। दावा है कि सिर्फ जीवेंद्र ही नहीं बल्कि राजू बंसल ने भी सत्येंद्र जैन से बात भी की और मुलाकात भी की। ये देखिए आयकर विभाग के दस्तावेज को जिसमें जीवेंद्र ने सत्येंद्र जैन का एक मोबाइल नंबर भी दिया है। दस्तावेज में जीवेंद्र साफ तौर पर स्वीकार कर रहा है कि उसके पास पेपर कंपनी या फर्जी कंपनियां हैं जिसके जरिए उसने पैसा सत्येंद्र जैन और उसके परिजनों की कंपनियों में भेजा। हवाला के जरिए सत्येंद्र जैन को जो ये पैसा रिसीव हुआ था, इन्हीं पैसों से 2010 से 16 के बीच में सत्येंद्र जैन ने अपनी शेल कंपनीज द्वारा करीब 200 बीघा खेती की जमीन खरीदी दिल्ली के अलग अलग गांव में, जैसे बवाना, औचंडी, कराला, मोहम्मद मजवी, और इवन इन सारे लैंड परचेज पे खुद सत्येंद्र जैन द्वारा ही साइन किया गया था। एग्रीमेंट साइन होने के बाद सत्येंद्र जैन अपने ही फैमिली मेंबर्स के लोगों को मेजोरिटी शेयर होल्डर बनाकर उनको डायरेक्टर का पद देते थे और खुद को कंपनी से अलग कर लेते थे। अब सवाल ये बनता है आखिर सत्येंद्र जैन इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड परचेज क्यों कर रहे थे? इसका जवाब हमें मिलता है सत्येंद्र जैन के पोर्टफोलियो से। वेल दोस्तों, सत्येंद्र जैन के पास हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ और कई मिनिस्ट्रीज भी है जिनमें से अर्बन डेवलपमेंट भी एक है। तो अपनी इस आम आदमी पार्टी के पहले टेन्योर के दौरान इन लोगों ने जोरों शोरों से एक स्कीम लॉन्च की जिसके अंडर ये दिल्ली के अलग अलग गाँव में अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने वाले थे। जिसको ये प्रोजेक्ट एक गरीब कल्याण स्कीम के तौर पर कर रहे थे, पर एक्चुअल में इसके अंडर खुद मंत्री जी अपना कल्याण करना चाहते थे। ये सारी लैंड परचेज स्पेसिफिकली उन्हीं जगह पर की गई थी जहां की अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करना था। जब ऐसा होता तो रातों रात ये सारी एग्रीकल्चर लैंड कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट हो जाती जिससे इन जमीनों की कीमत आसमान छूने लगती। यानी कुछ बिल्डर और सरकार में बैठे कुछ लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में जमीनें खरीद कर बड़ा खेल कर रहे थे और गरीबों के नाम पर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, जबकि इसका असली फायदा बिल्डर या उन लोगों को होता जिन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी थी। और इनकम टैक्स विभाग की माने तो ऐसे लोगों में सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। फिलहाल 13 जून तक सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। वेल दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन इस आम करप्ट पार्टी की जो नई सरकार बनी है पंजाब में, केवल 3 महीनों के अंदर ही इनके नव निर्वाचित हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को भी जेल की हवा खानी पड़ रही है करप्शन चार्जेस पर। ये साहब अपने मंत्री पद को संभालते ही 1% कट डिमांड करने लग गए थे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से। वेल आयरनी देखिए, इस सो कॉल्ड अल्ट्रा ईमानदार आम आदमी पार्टी के दोनों हेल्थ मिनिस्टर करप्शन चार्जेस पर जेल में है। दोस्तों आप सोचिए, जब ऐसे करप्ट लोग सत्ता में बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो अपनी ऐसी करप्ट पार्टीज के संरक्षण में सिस्टम के साथ क्या कुछ खिलवाड़ नहीं करते होंगे और उसे कितना खोखला बना देते होंगे। खत्म हो भ्रष्टाचार, 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 खत्म हो भ्रष्टाचार। Everybody, सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। Yes sir. वेल दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और हमें कमेंट कर बताइए आपके विचार और आपके फीडबैक।